हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने डीएनए और आरएनए के बारे में बात करी थी। उस वीडियो में हमने डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके अलावा जो आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये हमने समझा था। अब इसके बाद में हम आगे ये समझेंगे कि उन न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा जो एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए में किस तरह से बनती है और आरएनए में किस तरह से बनती है, तो इसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए। जो डीएनए है, डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फॉर्मेशन होना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, और उस न्यूक्लियोटाइड को हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेंगे, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से हम अगर इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चलें तो यहाँ पर एक लंबी चेन बनेगी न्यूक्लियोटाइड्स, और उसी न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो जैसे हम दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे वैसे ही तीसरा जुड़ने वाला है, फिर आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो सेम तरीके से जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे मोनो न्यूक्लियोटाइड से डाई न्यूक्लियोटाइड, और फिर उसी तरह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में यहाँ पर इस जगह पर एच और ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई एक जुड़ा हुआ इसमें नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडिनिन है। इसके बाद में यहाँ पर है एच एच, इधर है एच ओ एच, और यहाँ पर है एच और CH2, और ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था जब हमने न्यूक्लियोटाइड बना था उस समय, ये जोड़ा था ना। तो इधर है अपने पास ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ेंगे किस तरह से, जो न्यूक्लियोटाइड है वापस में जुड़ते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है चेक करते हैं। यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है थाइमिन, इधर ये एच एच एच, यहाँ पर है एच ओ एच, और इधर है अपने पास एच CH2, और इधर है अपने पास ये अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है PO4-3, ये PO4-3 कैसे बनता है। यहाँ पर जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो PO4-3- कहाँ से आता है, S3PO4 से, है ना। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड ही यहाँ पर एक्चुअल में किससे जुड़ता है, इसे न्यूक्लियोटाइड से, सॉरी इसे जो न्यूक्लियोसाइड है ना, उससे जुड़ता है। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसकी, फॉस्फोरिक एसिड की, तो किस तरह से बनेगी, पी है और इधर ये ओ एच, यहाँ पर ओ एच, तीन हाइड्रोजन है इसमें, इधर ओ एच और इधर ये डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लेने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड हैं अपने पास, है ना। इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड। और वो जो बॉन्ड है वो कौन से कार्बन के बीच में बनने वाला है, 5 प्राइम कार्बन और जो 3 प्राइम कार्बन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर अपना तीसरा कार्बन है और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन। तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब इसमें चेक करना, यहाँ पर ये OH और इधर से ये H, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यानी एक्चुअल में यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब इससे आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, अब यहाँ पर आगे क्या बनता है, यहाँ पर चेक करना। देखो तीसरा कार्बन और जो 5th कार्बन है, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का वो आपस में कनेक्ट करेगा। किस तरह से, यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, है ना। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड, है ना। तो अब यहाँ पर स्टेग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है और ये दूसरा यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, है ना। इस फॉस्फेट को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 3 5 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्राइम 5 प्राइम क्यों बोला है हमने, क्योंकि ये जो बॉन्ड है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ये तीसरा कार्बन और जो 5th कार्बन है उसके बीच में बना है ना। और डाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पर 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। फॉस्फो किसके लिए आया है, इसे फॉस्फेट के लिए, इस फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्राइम-5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अब सेम इसी तरह से आगे क्या बनने वाला है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर आगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बनेगा और फिर उसके बाद में पेंटा न्यूक्लियोटाइड, आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा और लगातार इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि एक लंबी चेन बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और उस पूरी चेन में आप क्या देखोगे कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे जोड़ेंगे तो वही 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। फिर आगे तीसरे से फोर्थ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो वहां पर भी इस सेम बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से लगातार ये बॉन्ड बनने से यहाँ पर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से बनती है। यहाँ पर ये अपने पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इधर, और नीचे यहां पर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इधर अपने पास नाइट्रोजनस बेस ए, और इधर है ये जैसे थायमिन है, इधर है ग्वानिन, और इधर है अपने पास साइटोसिन। सेम इसी तरह से आगे भी यहाँ पर जुड़ता जाएगा ये
यहां पर भी इसी सेम तरह से जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से अपने पास ये चार न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनी है, तो इसको हम टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, है ना। इसी तरह से पेंटा न्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा। सभी में आप क्या देखोगे, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो हर बार फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से यहाँ पर जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से एक जो न्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो अब डीएनए में यहाँ पर आप देखोगे कि वैसे जनरली जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में जुड़ती हैं, है ना, आमने सामने। तो अभी केवल हमने एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई है, अब जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है वो किस तरह से इस एक चेन है इसे जुड़ने वाली है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। इधर फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ेगा, इसमें थायमिन, एडिनिन से जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा नाइट्रोजिनस बेस बॉन्ड बनाता है, थायमिन। इसके बाद में यहाँ पर ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, इस पर यहाँ पर OH, और इधर ये फोर्थ कार्बन, और इधर ये फिफ्थ कार्बन CH2O, और ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा इससे। यहाँ पर जो दूसरी पेंटोस शुगर है, उस दूसरी पेंटोस शुगर से यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप पे बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद में यहाँ पर इसमें जैसे इधर थायमिन है तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, एडेनिन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ग्वानिन है तो इधर हम क्या जोड़ेंगे, साइटोसिन। फोर्थ कार्बन पर ये फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप वापस से बॉन्ड बनाता है अगले पेंटो शुगर के थर्ड कार्बन से। इसी तरह से फोर्थ पेंटो शुगर यहाँ पर भी आगे बॉन्ड बनेगा, इसमें हम साइटोसिन के सामने क्या रखेंगे, ग्वानिन। यहाँ पर वापस फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, फोर्थ कार्बन पर ये फिफ्थ कार्बन और ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाता है थर्ड कार्बन से। इसके बाद में यहाँ पर है अपने पास फिफ्थ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में जुड़ेंगी। तो अब यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में बॉन्ड बनता है, और वो जो बॉन्ड है वो कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, दो नाइट्रोजिनस बेसिस, तो यहाँ पर एडेनिन और थायमिन बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से जो थायमिन है वो एडेनिन से बॉन्ड बनाएगा, है ना, ग्वानिन साइटोसिन से और साइटोसिन ग्वानिन से। यानी दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में हमेशा जो प्यूरिन्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं किससे, पिरिमिडिन से, है ना। यहाँ पर जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, किससे बनाते हैं, पिरिमिडिन से, ठीक है। हमने पढ़ा है प्यूरिन्स में कौन आता है, एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। इसी तरह से पिरिमिडिन्स में कौन आता है, साइटोसिन और दूसरा है थायमिन, ठीक है। तो एडेनिन बॉन्ड बनाता है किससे, यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किससे बनाएगा, थायमिन से। और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
किससे? साइटोसिन से। इसी तरह से आगे जो थाइमिन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किससे? एडेनिन से। और जो वो साइटोसिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किससे? ग्वानिन से। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड बनता है दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स के नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में। तो यहाँ पर जो एडेनिन है, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा किससे? इस थायमिन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कौन सा है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से जो थायमिन है वो एडेनिन से बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से जो साइटोसिन है वो इससे ग्वानिन से बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करती है। तो अब लगातार ये ऐसा होता रहेगा, दोनों जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं उनके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इस तरह से जुड़ते जाएंगे और एक लंबी डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना, डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे डीएनए को अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरह से हमें नज़र आता है, इस तरह से यहाँ पर ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स चलती हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में यहाँ पर अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। यहाँ पर अंदर की तरफ ये जो बॉन्ड्स हैं इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। ठीक है, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड चेन में बैकबोन की बात करें तो यहाँ पर जो बैकबोन है वो कौन बनाता है? पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, है ना। न्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ये कौन बनाता है, किससे बनी होती है? मेड ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी है यहाँ पर? डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन। ठीक है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ निकले रहते हैं, है ना, दोनों स्ट्रैंड्स में अंदर की तरफ निकले रहते हैं। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रैंड्स की पोलरिटी देखें तो यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड है वो, या जो चेन है वो 5' टू 3', 5' टू 3' होगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड है या चेन है वो 3' टू 5' होगी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये इस स्ट्रैंड का कौन सा एंड होगा? 5' एंड। ठीक है, 5' एंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन है इस पेंटोज शुगर में, फिफ्थ कार्बन पर ये फॉस्फेट ग्रुप फ्री है ना, इसने बॉन्ड नहीं बनाया दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। इसी तरह से नीचे की तरफ हम चले तो यहाँ पर जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है वो फ्री है। ठीक है, तो OH ग्रुप किससे बॉन्ड बनाता है? वो इसे नीचे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके फॉस्फेट से, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री है थर्ड कार्बन, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 3' एंड। ठीक है, तो एक 5' एंड हो गया ऊपर की तरफ और नीचे 3' एंड हो गया। इसके बाद में दूसरे स्ट्रैंड में हम देखें
तो यहाँ पर इसका अपोजिट डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या देखोगे, इधर जो थर्ड कार्बन है वो फ्री है ना, तो इधर कौन सा एंड हो जाएगा, थ्री प्राइम एंड, और इधर जो फिफ्थ कार्बन है उसमें फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, ठीक है, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा, फाइव प्राइम एंड। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या है, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड, और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या है, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एंड। अब हमें ध्यान रखना है जो हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं उसमें हम सेम डायरेक्शन लेकर चलते हैं ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो दोनों चेन्स में आप क्या देखोगे, ऊपर जैसे यहाँ पर फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है, नीचे यहाँ पर थ्री प्राइम और इधर है थ्री प्राइम, और यहाँ पर नीचे ये फाइव प्राइम हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, एक स्ट्रैंड की होगी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड की थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी आता है, इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो किससे बनी होती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से, है ना, किससे बनी होगी, मेड ऑफ मैनी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब राइबो न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पर बनाएंगे, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड दूसरे राइबो न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर अगले राइबो न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, इस तरह से लगातार ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बनाते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर एडेनिन जुड़ा हुआ है, इधर यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर OH है ना, और इधर है सेकेंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर OH, इधर ये फोर्थ कार्बन पर फिफ्थ कार्बन है CH2, और इससे क्या जुड़ने वाला है यहाँ पर, फॉस्फेट ग्रुप। अब इसके बाद में इसी तरह से दूसरा यहाँ पर अपने पास क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर है अपने पास गुआनिन, और इधर OH है, यहाँ पर भी है अपने पास OH, राइबो न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से, है ना। तो इधर ये थर्ड कार्बन है और यहाँ पर ये OH ग्रुप इधर से निकल जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, सेम वैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे DNA में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है वैसे यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया यहाँ पर, इधर ये दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना। इसी तरह से आगे भी होगा, यहाँ पर ये जो अगला न्यूक्लियोटाइड है वो भी जुड़ने वाला है, इधर हम क्या लेकर चलेंगे, साइटोसिन, इधर ये सेकेंड कार्बन पर OH है, यहाँ पर OH, और इधर है फिफ्थ कार्बन पर CH2OP, और इधर O, और यहाँ पर भी वही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा जैसे DNA में हमने बनाया था। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है। इसके बाद में यहाँ पर अगला न्यूक्लियोटाइड किस तरह से जुड़ेगा, इधर हम लेकर चलेंगे यूरेसिल, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस, इधर अपने पास क्या है OH, यहाँ पर है OH, और इधर है अपने पास CH2 और ये PO और इधर O, और इधर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है।
तो इस तरह से अपने पास क्या बना है, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हमें ध्यान रखना है राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन में हमने जो पेंटो शुगर ली है वो कौन सी है, राइबो शुगर। यहाँ पर ये सेकेंड कार्बन पर ओएच ग्रुप है ना, सभी जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से और क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहाँ पर ये सभी जगह पर आप क्या देख सकते हो, पूरा बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड।